नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं नीतू शर्मा, आपकी हिंदी विषय की शिक्षिका। बच्चों, आज हम हमारे भारत देश के बारे में कुछ बातें करेंगे। बच्चों, भारत एक ऐसा देश है जिसको त्योहारों की भूमि कहा जाता है, मतलब यह त्योहारों का देश है। बच्चों, भारत में अनेकों त्यौहार हैं जो बड़े ही धूमधाम से मनाए जाते हैं, जैसे गणेश चतुर्थी, होली, दीपावली, ईद, क्रिसमस। ऐसे अनेकों त्यौहार हैं जिसे बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। बच्चों, ये बात तो आप सभी जानते हैं कि हमारे भारत देश में अनेक जाति धर्म के लोग रहते हैं, तो हमारे जो उत्सव हैं यानी जो हमारे त्यौहार हैं उसे भी सब अपनी जाति अपने धर्म के अनुसार मनाते हैं। अपनी अपनी संस्कृति, अपनी सामाजिक परंपरा के अनुसार अपने त्यौहारों को, अपने उत्सव को मनाते हैं। लेकिन बच्चों, इन सब के अतिरिक्त कुछ ऐसे भी त्यौहार हैं जिनका संबंध किसी भी विशेष जाति या किसी विशेष धर्म से न होकर संपूर्ण राष्ट्र से होता है। जी हाँ बच्चों, हमारे कुछ ऐसे भी त्यौहार हैं जिसका संबंध किसी भी जाति, किसी भी धर्म से न होकर पूरे राष्ट्र से होता है। ऐसे त्यौहारों को राष्ट्रीय त्यौहार कहते हैं। जी हाँ बच्चों, ऐसे त्यौहारों को राष्ट्रीय त्यौहार कहा जाता है जो पूरा राष्ट्र मिलकर मनाता है। यह त्यौहार किसी भी जाति, धर्म या किसी भी संप्रदाय का नहीं होता, यह पूरे राष्ट्र का त्यौहार होता है। बच्चों, आज जो हम पाठ पढ़ने वाले हैं उसका शीर्षक है राष्ट्रीय त्यौहार। बच्चों, आज जो हम पाठ पढ़ने वाले हैं वह एक संवादात्मक पाठ है, यानी कि कन्वर्सेशन। इस पाठ में कुछ विद्यार्थी अपनी कक्षा में बैठे हुए हैं और वे सभी राष्ट्रीय त्यौहारों पर चर्चा कर रहे हैं। इस पाठ के प्रमुख पात्र हैं ज्ञान, आकांक्षा, त्रिम्बक और क्षितिज। तो चलिए बच्चों, हम अपने पाठ की शुरुआत करते हैं। ज्ञान कहता है, स्वतंत्रता दिवस एवं गणतंत्र दिवस हमारे राष्ट्रीय त्यौहार हैं। स्वतंत्रता दिवस यानी होता है बच्चों इंडिपेंडेंस डे, और गणतंत्र दिवस यानी रिपब्लिक डे। तो ज्ञान कहता है यह हमारे राष्ट्रीय त्यौहार हैं। तब आकांक्षा कहती है, अमर सपूतों के अथक प्रयासों से 15 अगस्त सन 1947 को हमारा देश स्वतंत्र हुआ। आकांक्षा यहाँ ज्ञान से कहती है कि अमर सपूतों के अथक प्रयासों से, अमर यानी अमिट जो कभी नहीं मरता, सपूत यानी गुणवान पुत्र। आकांक्षा कहना चाहती है कि हमारी भारत माता के जो अमर सपूत यानी जो गुणवान पुत्र हैं, उनके अथक प्रयासों से, अथक यानी बिना थके, प्रयास यानी प्रयत्न, उन्होंने बिना थके बिना रुके इतने प्रयत्न किए तब जाकर 15 अगस्त 1947 को हमारा देश स्वतंत्र हुआ, यानी उस दिन हमें आज़ादी प्राप्त हुई। और किसके कारण हुई आज़ादी प्राप्त? हमारे भारत के गुणवान अमर सपूतों के कारण यह आज़ादी हमें प्राप्त हुई है। त्रिम्बक कहते हैं, यह दिन स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है, यानी कि 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ, इसीलिए उसे स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। स्वतंत्रता यानी कि फ्रीडम, यानी कि आज़ादी। तब ज्ञान कहते हैं, हाँ,
आज़ादी मिलने के बाद बड़ी लगन से देश का संविधान बनाया गया तथा 26 जनवरी 1950 को इसे देश में लागू किया गया। जी हाँ बच्चों, अब ज्ञान कहता है आज़ादी मिलने के बाद बड़ी लगन से, लगन यानी बड़े प्रेम से, बड़े धुन से, बड़े लगाव से देश का संविधान बनाया गया। संविधान यानी शासन व्यवस्था यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन, जिसका अर्थ होता है कानून बनाना, नियम बनाना। इस संविधान को बनाया गया और इसे लागू कब किया गया? इसे 26 जनवरी 1950 को इस संविधान को इस देश में लागू किया गया। आकांक्षा, इसीलिए 26 जनवरी का दिन गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। तब क्षितिज कहता है 26 जनवरी और 15 अगस्त के दिन और क्या क्या होता है? अब बच्चों, आकांक्षा कहती है कि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। गणतंत्र यानी रिपब्लिक डे, यानी कि प्रजासत्ताक दिवस भी इसे कहते हैं। अब इसे क्यों 26 जनवरी को मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन इस संविधान को हमारे देश में लागू किया गया, इसीलिए इस दिन को 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। तब क्षितिज बड़ी उत्सुकता से पूछता है कि 26 जनवरी और 15 अगस्त के दिन और क्या क्या होता है? तब ज्ञान कहता है राष्ट्रीय त्यौहार वाले दिन राष्ट्रध्वज फहराते हैं, राष्ट्रीय गीत गाते हैं, राज्य, जिला, शहर, गांव तथा विद्यालयों में इन त्योहारों को धूमधाम से मनाते हैं, प्रभात फेरियां निकालते हैं, जगह जगह सजावट और रोशनी की जाती है। बच्चों, क्षितिज के पूछे जाने पर कि 26 जनवरी और 15 अगस्त के दिन क्या क्या होता है, तब ज्ञान कहता है कि राष्ट्र त्यौहार वाले दिन राष्ट्रध्वज फहराते हैं। राष्ट्रध्वज यानी हमारा तिरंगा झंडा यानी कि फ्लैग, इसे फहराया जाता है। बच्चों, 15 अगस्त के दिन प्रधानमंत्री द्वारा ध्वजारोहण किया जाता है तो 26 जनवरी के दिन हमारे राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रध्वज को फहराया जाता है। राष्ट्रध्वज फहराने के बाद सभी राष्ट्रगीत गाते हैं। भारत के राज्य, जिले, गांव, शहर तथा विद्यालयों में इन त्योहारों को बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। प्रभात फेरियां निकालते हैं। प्रभात फेरी का अर्थ होता है बच्चों जुलूस निकालना, यानी प्रभात का अर्थ होता है सुबह और फेरियां का अर्थ होता है जुलूस। आपने भी यह देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे विद्यालय हैं शहरों में भी और गांव में भी, बहुत से ऐसे विद्यालय हैं जो 15 अगस्त या 26 जनवरी के दिन प्रभात फेरियां निकालते हैं। उस दिन सभी बच्चे सुबह सुबह अपने विद्यालय के गणवेश में रास्ते पर से जाते हैं, उनके हाथों में बड़े बड़े स्लोगन होते हैं, सभी भारत माता की जय, वंदे मातरम का नारा लगाते हैं, इस तरह से वे प्रभात फेरियां निकालते हैं। राष्ट्रीय त्यौहार वाले दिन जगह जगह सजावट और रोशनी की जाती है। जी हाँ बच्चों, ये त्यौहार सिर्फ विद्यालयों में ही नहीं, गली मोहल्लों में भी हमें देखने मिलता है कि किस तरह से जब 15 अगस्त या 26 जनवरी होता है जगह जगह सजावट की जाती है। कहीं फूलों से सजाया होता है तो कहीं रंग बिरंगे पताकों से सजाया होता है, वहाँ बहुत सारी रोशनी लगाई जाती है, तो कहीं बहुत ही सुंदर सुंदर रंगोली बनाकर रखा जाता है। छब्बीस जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस के दिन दिल्ली में इंडिया गेट से राष्ट्रपति भवन तक भव्य परेड का आयोजन किया जाता है। इस परेड में हमारे भारत के सभी सैनिक
अपनी अपनी शक्ति का प्रदर्शन दिखाते हैं। इसके साथ ही साथ भारत के कोने कोने से आए हुए लोग यहाँ पर अपने अपने राज्य की सांस्कृतिक कला की झांकियाँ निकालते हैं, जिसे देखने के लिए बहुत ही दूर दूर से लोग आए होते हैं, ना कि हमारे देश के बल्कि विदेशों से भी भारत की ये झांकियाँ देखने के लिए लोग आए हुए होते हैं। ये नज़ारा देखते ही बनता है। क्षितिज कहता है, ये आज़ादी बड़े संघर्षों के बाद मिली है, हमें इसकी रक्षा करनी है। त्रिम्बक कहता है, हाँ, हमें स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को सदैव याद रखना होगा, अपने तिरंगे का सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। अब बच्चों, क्षितिज कहना चाहता है कि आज़ादी हमें बड़े संघर्षों के बाद मिली है, संघर्ष यानी हमें कठिन परिश्रम के बाद मिली है। ये आज़ादी हमें मुफ्त में या भीख में नहीं मिली है, इसे प्राप्त करने के लिए हमारे भारत के बहुत से वीर सपूतों ने अपने प्राणों की आहुति दी है, तब जाकर यह आज़ादी हमें मिली है, तो इसलिए हमें इसकी रक्षा करनी है। तब त्रिम्बक कहता है, हाँ, सही में हमें स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को सदैव याद रखना होगा। त्रिम्बक कहना चाहता है कि हमारे देश के जो सेनानी थे, जो जिन्होंने देश को आज़ादी दिलाने में अपने प्राणों की आहुति दी, हंसते हंसते फांसी के फंदे पर चढ़ गए, जिन्होंने अपने परिवार तक को नहीं देखा, सिर्फ और सिर्फ भारत माता को आज़ादी दिलाने के लिए उन्होंने इतनी यातनाएं, इतनी कष्ट झेले हैं, हमें ऐसे सैनिकों को याद रखना चाहिए, हमें उनको कभी भूलना नहीं चाहिए, उनके बलिदान को हमें हमेशा याद रखना चाहिए। सदैव का अर्थ होता है हमेशा, और हमें अपने तिरंगे का भी सम्मान करना चाहिए, और यह हम सब भारतवासियों का कर्तव्य है। आकांक्षा कहती है, राष्ट्र त्योहारों पर झंडा वंदन के लिए सभी का समय पर उपस्थित होना आवश्यक है। राष्ट्रगीत के समय सदैव सावधान की मुद्रा में खड़े रहें। राष्ट्रीय त्यौहार हमें पूरी निष्ठा के साथ आनंदपूर्वक मनानी चाहिए। बच्चों यहाँ आकांक्षा कहती है कि राष्ट्रीय त्यौहारों पर जब झंडा वंदन होता है तो उस समय सभी को समय पर उपस्थित होना चाहिए। उपस्थित यानी प्रेजेंट होना चाहिए, मतलब जब हम झंडा वंदन करने जाते हैं तो सभी सही समय पर वहाँ पर उपस्थित हो जाएं, और राष्ट्रगीत गाते समय हमें हमेशा सावधान की मुद्रा में ही खड़े रहना चाहिए। ऐसा करने से हम अपनी राष्ट्रगीत का मान बढ़ाते हैं। राष्ट्र त्यौहार हमें पूरी निष्ठा के साथ और आनंदपूर्वक मनाने चाहिए। जी हाँ बच्चों, जैसे हम बाकी त्यौहार मनाते हैं उसी प्रकार हमें हमारे राष्ट्र त्यौहारों को भी पूरी निष्ठा के साथ मनाना चाहिए। बच्चों, इस पाठ में हमें यही बताया गया है कि आज जो हम आज़ाद हैं, जो हम स्वतंत्र हैं, इस आज़ादी और स्वतंत्रता के पीछे हमारे भारत के अनेक वीरों ने बड़े संघर्ष किए हैं, बहुत ही बलिदान दिए हैं, तब जाकर यह आज़ादी हमें मिली है, इसलिए हमें इसकी रक्षा करनी चाहिए। हमें आज़ादी के उपलक्ष्य में मनाए जाने वाले राष्ट्रीय त्यौहार को हमें पूरी निष्ठा से मनाना चाहिए, यह हमारी शान है। हमें इन त्यौहारों का आदर करना चाहिए, इनका मान सम्मान करना चाहिए। तो चलिए बच्चों, अब हम इस पाठ का स्वाध्याय देखते हैं। पहला प्रश्न है, संजाल पूर्ण कीजिए। प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, हमारा कर्तव्य, यानी प्रश्न कुछ ऐसा बनता है कि हमारा कर्तव्य क्या है, तो इसका उत्तर होगा अपने तिरंगे का सम्मान करना, यह हमारा कर्तव्य है। इसी प्रकार से दूसरा प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय त्यौहार, यानी कि भारत के राष्ट्रीय त्यौहार कौन कौन से हैं, तो इसका उत्तर होगा स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस।
अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला प्रश्न है, डैश फेरी निकालते हैं, तो इसका उत्तर है प्रभात। दूसरा है, जगह जगह डैश और डैश की जाती है, तो इसका उत्तर है सजावट और रोशनी की जाती है। उसी प्रकार से तीसरा प्रश्न है, झंडा वंदन के लिए सभी का समय पर डैश होना आवश्यक है, तो इसका उत्तर है उपस्थित। झंडा वंदन के लिए सभी का समय पर उपस्थित होना आवश्यक है। चौथा प्रश्न है, हमें अपनी डैश सम्मान करना चाहिए, इसका उत्तर है तिरंगे। हमें अपने तिरंगे का सम्मान करना चाहिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य सही है या गलत लिखिए। होली और दिवाली हमारे राष्ट्रीय त्यौहार हैं, तो इसका उत्तर है गलत। दूसरा प्रश्न है, 15 अगस्त 1947 को हमारा देश स्वतंत्र हुआ, तो इसका उत्तर है सही। तीसरा है, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है, तो इसका उत्तर है सही। उसी प्रकार से अगला प्रश्न है, हमें आज़ादी बड़ी आसानी से मिली, तो इसका उत्तर है गलत। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय त्यौहार केवल शहरों में मनाए जाते हैं, तो इसका उत्तर है गलत। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय त्यौहारों पर तिरंगा फहराया जाता है, तो इसका उत्तर है सही। उसी प्रकार से अगला प्रश्न है, तिरंगे झंडे में 4 रंग के पट्टे होते हैं, तो इसका उत्तर है गलत। अगला प्रश्न है, राष्ट्रगीत के समय हम कैसे भी खड़े रह सकते हैं, तो इसका उत्तर है गलत। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। पहला प्रश्न है, गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका उत्तर है गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग होते हैं, उनके नाम लिखिए। राष्ट्रीय ध्वज में 3 रंग होते हैं, केसरी, सफ़ेद और हरा। उसी प्रकार से तीसरा प्रश्न है, स्वतंत्रता दिवस क्यों मनाया जाता है, तो इसका उत्तर है स्वतंत्रता दिवस के दिन भारत देश आज़ाद हुआ था। अगला प्रश्न है, हमें किन के बलिदानों को सदैव याद रखना होगा, तो इसका उत्तर है हमें स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को याद रखना होगा। आशा है बच्चों आपको राष्ट्रीय त्यौहार यह पाठ समझ आया होगा। धन्यवाद।